मित्रों, हमारे सनातन धर्म में प्रतिवर्ष अनेक पर्व मनाए जाते हैं और हर वर्ष हम उतने ही उत्साह और उल्लास के साथ इन पर्वों का स्वागत करते हैं। इन्हीं पर्वों में एक है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा ऐसा पर्व है जिसकी शुरुआत के साथ सनातन धर्म की कई सारी कहानियां जुड़ी हैं। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा को विशेष रूप से मनाया जाता है। 9 दिन तक चलने वाले इस त्यौहार में पूजा, विशेष तरह के प्रसाद आदि का बहुत महत्व है। तो चलिए मित्रों, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में गुड़ी पड़वा से जुड़ी पौराणिक कथाएं, उससे जुड़ी परंपराएं, महत्व, रीति रिवाज से आपको अवगत कराएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर। दोस्तों, आपको बता दूं कि गुड़ी पड़वा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है। गुड़ी का मतलब होता है विजय और पड़वा का मतलब होता है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का पहला दिन। इस पर्व को वर्ष प्रतिपदा या युगादि और उगादि के नाम से भी जाना जाता है। परंपराएं और रीति रिवाज जानने से पहले आइए जानते हैं जुड़ी पौराणिक कथाएं क्या हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग अर्थात रामायण काल में जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था और जब भगवान श्री राम को पता चला कि लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया है, तो वे उन्हें खोजते हुए दक्षिण भारत पहुंचे, जहां उस समय राजा बलि का शासन हुआ करता था। वहां एक दिन प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की मुलाकात सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने श्री राम को बलि के कुशासन से अवगत करवाते हुए उनकी सहायता करने में अपनी असमर्थता जाहिर की। इसके बाद भगवान श्री राम ने बलि का वध कर दक्षिण भारत के लोगों को उसके आतंक से मुक्त करवाया और वह दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का था। ऐसा माना जाता है कि तभी से इस दिन गुड़ी यानी विजय पताका फहराई जाती है। इस दिन लोग आम के पत्तों से घर को सजाते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र में इसे लेकर काफी उल्लास होता है। सृष्टि के निर्माण का यह दिन एक भारतीय के लिए अहम है, जिसमें 12 महीने इस प्रकार हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। तो अगर हम भारतीय संस्कृति यानी कि हिंदू कैलेंडर की बात करें तो हमारा नववर्ष गुड़ी पड़वा से ही शुरू होता है। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था, इसीलिए गुड़ी पड़वा नव संवत्सर भी कहलाता है। इसके अलावा महान गणितज्ञ भास्कराचार्य जी ने भी इसी तिथि पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक के दिन, महीने और वर्ष की रचना करते हुए पंचांग भी रचा था। कुछ विद्वानों का मानना यह भी है कि शालिवाहन नाम के कुम्हार के बेटे को शत्रु बहुत परेशान करते थे, लेकिन अकेला होने के चलते वह उनका विरोध करने में सक्षम नहीं था। तब उसने एक युक्ति निकाली और सेना से लड़ने के लिए मिट्टी के सैनिकों का निर्माण किया और उनकी एक सेना बनाकर उसके ऊपर पानी छिड़क दिया और उन सैनिकों में प्राण फूंक दिए। ऐसा कहा जाता है कि जब शत्रु आए तो कुम्हार के बेटे ने जिस सेना को बनाया था उस सेना के साथ मिलकर उन्होंने शत्रु के साथ युद्ध किया और विजय प्राप्त की। तब से शालिवाहन शक का प्रारंभ हुआ। इस दिन से महाराष्ट्र में मराठी पंचांग के अनुसार नया साल आरंभ हो जाता है। इसका पहला महीना चैत्र यानी कि चैतन्य खुशहाली का होता है। हिंदू कैलेंडर का आखिरी महीना फागुन होता है। फागुन के महीने में होली का त्योहार मनाया जाता है। सारी सूखी लकड़ियां जलाई जाती हैं। चैत्र के महीने से पेड़ों पर नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, इसलिए भी इस महीने को बहुत खास माना जाता है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी इसे नए साल के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा पर्व को लेकर जहां अलग अलग तरह की कथाएं प्रचलित हैं, वहीं आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा के अवसर पर इस दिन विशेष प्रकार का प्रसाद भी वितरित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी बिना कुछ खाए पिए इस प्रसाद को ग्रहण करता है वह सदैव निरोगी रहता है, बीमारियां उससे दूर रहती हैं। भारत के महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में इस पर्व को 9 दिनों तक विशेष विधि विधान और पूजा के साथ मनाने का चलन है। इस उत्सव का समापन रामनवमी के दिन होता है। चैत्र माह में आने वाले नवरात्रि को वासंतिक नवरात्र और चैत्र नवरात्रि भी कहा जाता है। गुड़ी पड़वा के दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, रंगोली और तोरण दीवार बनाकर घरों को सजाते हैं। गुड़ी पड़वा के दिन लोग अपने घर के मुख्य द्वार के आगे एक गुड़ी यानी झंडा रखते हैं। गुड़ी के ऊपर नीम के पत्ते और बताशे दोनों लगाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि नीम से मन की सारी कड़वाहट दूर हो जाती है और बताशों से आने वाली जिंदगी में और भी मिठास बढ़ जाती है। गुड़ी पड़वा के इस पर्व पर तरह तरह के पकवान घर पर ही बनाए जाते हैं, जैसे कि श्रीखंड पूरी, बांसुदी पूरी, खीर पूरी या पूरन पोली जैसे कई पकवान बनते हैं।
इस पर्व पर लोग विशेष तौर पर पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं, जिसमें औरतें नौवारी साड़ी या पठानी साड़ी पहनकर सजती संवरती हैं, जबकि पुरुष कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता पहनते हैं। गुड़ी पड़वा की पूजा के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है वो इस प्रकार है: फूल और कलर से रंगोली, कुछ खिले फूल, आम के पत्ते, लाल कपड़ा, नीम के पत्ते, नारियल, नया ब्लाउज का पीस, बॉर्डर वाली साड़ी या फिर चुन्नी, बताशे की माला, तोरण अर्थात गेंदे और आम के पत्तों की माला, मिठाई, पीतल तांबे या चांदी का कलश, चौकी और 7 फीट लंबी बांस की डंडी। गुड़ी पड़वा के दिन सुबह उठकर लोग सबसे पहले नीम का पत्ता खाते हैं। कहा जाता है कि इस पत्ते को खाने से शरीर की सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। रंगोली और तोरण लगाने के बाद भगवान की पूजा की जाती है। इसके बाद गुड़ी लगाने या उभारने की तैयारी की जाती है। सबसे पहले एक बांस की डंडी लेकर उसे साफ करके एक नया ब्लाउज का पीस, बॉर्डर वाली साड़ी या चुन्नी लगाई जाती है। उसके ऊपर आम के पत्ते, नीम के पत्ते, फूलों की माला और बताशे की एक माला एक साथ बांध दी जाती है। इसके बाद गुड़ी के ऊपर तांबे, पीतल या चांदी के कलश को रखा जाता है। कलश के ऊपर स्वास्तिक चिन्ह और हल्दी कुमकुम लगाया जाता है। फिर दरवाजे के ऊपर बाहर या बालकनी में पूर्व की दिशा में चौकी बिछाई जाती है। उस चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाया जाता है। उस लाल कपड़े पर एक नारियल और फूल रखा जाता है। इसके बाद कुछ लोग गुड़ी स्थापित करने के लिए गमले का उपयोग करते हैं, फिर गुड़ी के सामने मीठे पकवान का भोग लगाते हैं। किसी किसी घर में गुड़ी की पूजा पंडित जी करवाते हैं और कुछ घरों में घर के बड़े बुजुर्ग पूजा करवाते हैं। गुड़ी पड़वा का त्योहार सब लोग मिलकर खुशी खुशी मनाते हैं, अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। इस तरह से ये गुड़ी पड़वा का त्योहार पूरे महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही शाम होने से पहले गुड़ी को उतारा जाता है और उस पर लगी बताशे की माला को पूरे घर में बांटा जाता है। तो मित्रों, ये थी हमारी गुड़ी पड़वा की संपूर्ण कथा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लें, ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो को सबसे पहले देख सकें।